फास्टैग की कई डेट बढ़ने के बाद 15 फरवरी 2021 से मिडनाइट से फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया है। अब आपके वाहन पे फास्टैग लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको लंबी लंबी लाइनें लगा के जहाँ पे 100 रुपया टैक्स है वहाँ पे आपको डबल 200 रुपया टैक्स देने पड़ेंगे। तो मैं आपको इससे पहले एक वीडियो में ICICI बैंक से किस तरीके से फास्टैग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रखा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैटर्न से किस तरीके से आप फास्टैग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जो भी एड्रेस आप उसमें देंगे वही एड्रेस पे आपको 9 डेज के अंदर अंदर में आपको उसी एड्रेस पे फास्टैग आ जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से अपने व्हीकल पर लगा के जब भी आप टोल प्लाजा पर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो है पैटर्न वगैरह से आप पैसे कट हो जाया करेंगे और वहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप और जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेटीएम से फास्टैग बनवाने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। आप बहुत ही आसानी से फास्टैग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद पहले आपको यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको RC की फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फ्रंट फ़ोटो और यहाँ पर आपको RC की बैक फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका RC का फ़ोटो होगा उसको आपको ला के इसमें आपको इंसर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप गैलरी से भी ले सकते हैं, कैमरा से भी ले सकते हैं और यहाँ फ़ोटो, यहाँ वन ड्राइव और यहाँ पे हिंदी स्टिकर से भी आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कैमरा से क्लिक करता हूँ तो कैमरा पर मैं क्लिक करूँगा और जहाँ भी आपका फ़ोटो RC की फ़ोटो होगा वो RC की फ़ोटो को आपको यहाँ पर ले आना है। इस तरीके से यहाँ पर कैमरा के सामने रखेंगे और कैमरा के सामने में रखने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे क्लिक का। इस पर क्लिक करके आपको इसमें अपलोड कर लेना है। क्लिक करते यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाता है। यहाँ ओके वाला पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाता है। इस तरीके से इसको आप जो है सही कर लेंगे और यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ चूज वाले पर क्लिक करके इसमें आपको अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि मैं इसको ओके किया हूँ, यहाँ पर आपका फ़ोटो आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको बैक RC की फ़ोटो इसमें अपलोड कर लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद इसी यहाँ पे इसको सही से कर लेंगे और इसके बाद आपको इस तरीके से आप यहाँ पे इसको क्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्रॉप कर लेंगे और यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपको वहाँ पे जो है इंसर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कि मैं फ्रंट और बैक दोनों को यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। आपको RC की ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि टैग इंश्योरेंस फीस आपको यहाँ 84.75 रुपये लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि GST आपको इतना लग रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यहाँ पे आपको 0 रुपया लग रहा है। यहाँ पे आपको जो है रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस यहाँ पर 250 रुपया हुआ करता था। मिनिमम बैलेंस टू मेंटेन यहाँ पर 250 रुपया है और यहाँ टोटल पेबल आपको करना होगा 350 रुपया। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पर कुछ ऑफर चल रहा है, आपको ऑफर लेना है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यू 3 मोर ऑफर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सारे के सारे यहाँ पर देख रहे ऑफर यहाँ पर आपका आ जाता है। तो हमको नहीं लेना तो मैं यहाँ सिंपली बैक आऊँगा। इसके बाद सिंपली क्या करना है आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि डिटेल्स, इसको आपको रीड कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप फास्टैग जो मनवाते हैं पैटर्न से तो ये आपको जो पैटर्न वाले से ऑटोमेटिक यहाँ पर लिंक हो जाएगा और जब भी आप टोल प्लाजा पर जाएंगे तो आपके पैटर्न वाले से ऑटोमेटिक ही पैसा कट हो जाएंगे करेंगे और वहाँ पर आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है पैटर्न से फास्टैग बनवाने का ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद यहाँ पे 350 पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए आपका जो पूरा एड्रेस है वो सारे के सारे यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाता है। तो आपको इसमें से जो पहले आप फास्टैग ऑनलाइन अप्लाई किए रहेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे आ जाता है। अगर इसमें से चूज़ करना है तो इसमें से चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर आपको मिल जाता है एड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो भी एड्रेस डालना है यहाँ पर अपना एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे यहाँ फुल नेम आ गया, मोबाइल नंबर, पिन कोड, Address 1 और Address 2 में अपना एड्रेस डालना है। एरिया, सिटी, टाउन, स्टेट ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो है तो आपको यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जिस एड्रेस पे आप फास्टैग मंगवाना चाहते हैं।
चलिए हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि मैं पहले से है तो मैं यहाँ पे बैक आऊँगा। और यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे सेलेक्ट है, अगर आपको इसमें से जो भी हो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ ये है तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका अगला प्रोसेस यहाँ पैटर्न जो गेटवे है उस पर लेके जाके यहाँ पर आपको ओपन कर देता है। यहाँ पर देखिए ढेर सारा ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर क्रिएट करके आ चुका है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग और यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे, इसमें एक्सपायरी डेट डालेंगे और CVV नंबर डालेंगे अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है तो। अगर आपको इसमें से करना है तो इसको चूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ नेट बैंकिंग में चूज करूँगा। यहाँ पर चूज करते ही यहाँ पर देखिए आपका ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर नीचे आ चुका है, पूरा आपको बैंक आ चुका है। आपको जो भी बैंक में अकाउंट है वो बैंक को आपको चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ स्टेट बैंक को चूज करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पर आपका पे का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे वाले पर क्लिक करेंगे। पे वाले पर क्लिक करते ही आपका जो है वहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का, इसके बाद आप वहाँ पर डाल के जैसे ही प्रोसीड वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है। यहाँ पर देखिए यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP डाल के क्लिक करेंगे तो आपके जो अकाउंट से 350 रुपये कट हो जाएंगे और ये जो आपका ऑर्डर है ये प्लेस हो जाएगा। और जो भी एड्रेस दिए हैं उस एड्रेस पे आपको 9 डेज के अंदर अंदर में आपको जो है फास्टैग आ जाएगा। जैसे ही एक बार आपको फास्टैग आ जाता है तो वो फास्टैग को आप अपने व्हीकल पर लगाएंगे और जैसे ही टोल प्लाजा पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक ही आपके जो है पैटर्न वॉलेट से आपको ऑटोमेटिक ही पैसे कट हो जाए करेंगे। पैटर्न से फास्टैग बनवाने के 2 बड़े फायदे हैं। पहला तो ये है कि इसमें टोल कराया गया था जिसमें फास्टैग को नंबर 1 माना गया था और दूसरे पर माना गया था ICICI बैंक को। तो मैं आपको ICICI बैंक से फास्टैग बनवाने का कम्प्लीट प्रोसेस बता रखा हूँ एक वीडियो में, और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पैटर्न से फास्टैग के लिए ऑनर अप्लाई करेंगे। और दूसरा है कि ये आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिक्योर कि आप पैटर्न वॉलेट में पैसे रखते हैं तो जैसे ही आप टोल प्लाजा पर जाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पैटर्न वॉलेट से आपके पैसे कट जाया करते हैं और वहाँ पे आपको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।